सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को करें प्रेस। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। यह जानकारी हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको इस वीडियो में एफिडेविट के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, और आप सभी ने एफिडेविट का नाम सुना ही होगा या आपने भी कई बार एफिडेविट बनाया भी होगा। आप सभी में से बहुत से लोग हैं यह तो ज़रूर पता होगा कि एफिडेविट क्या होता है, लेकिन शायद आपको एफिडेविट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, और एफिडेविट की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि यदि आपको कभी भी एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप आसानी से बना सकते हैं, और आपको किस काम के लिए एफिडेविट बनवाना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको अच्छे से बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। एफिडेविट क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं एफिडेविट क्या होता है, यानी एफिडेविट किसे कहते हैं। यदि कोई आदमी किसी काम को करने के लिए या उसको ना करने के लिए अपनी खुद की मर्जी से लिखित रूप में घोषणा करता है तो उसको शपथ पत्र एफिडेविट या हल्फनामा कहते हैं। लेकिन यह घोषणा किसी ऐसे आदमी के सामने की जाती है जो कानून के अंतर्गत हो, जैसे ओथ कमिश्नर या नोटरी। सबसे पहले शपथकर्ता को नोटरी के पास जाना होता है और उसको अपना बयान देना होता है, और नोटरी आपका पूरा बयान शपथ पत्र के अंदर लिखेगा और वह बिल्कुल सच होगा, और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर साइन करने होते हैं, और फिर उसके बाद नोटरी आपके शपथ पत्र को अटेस्टेड करेगा और उसके बाद आपका शपथ पत्र मान्य होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एफिडेविट क्या होता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।